जिस फसल को उगाने में महीने लगे उसको मिनटों में फेंक दिया, जिसकी पैदावार बढ़ाने में सालों की तहकीक और सोच विचार लगी, उसको एक ख्याल में ठुकरा दिया। खिजा की कदर करो, किसान की कदर करो। ये किसान तो FFC के साथ अपनी हर फसल को सोना बना रहे हैं। क्या आप आंखें खोलकर सोते जा रहे हैं? 40 साल से FFC सोना यूरिया, सोना DAP, FFC DAP, SOP, MOP, सोना जिंक और बोरान जैसी बाएतमाद खादों और मुख्तलिफ मुफ्त फार्म एडवाइजरी सहूलियात से किसान की हर फसल को सोना बना रहे हैं। सोना की बेहतरीन खादें। काश्तकार भाइयों, हम आपकी रहनुमाई के लिए सोना यूरिया बनाने वाले इदारे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तैयार करदा फिल्म मकई की काश्त पेश कर रहे हैं। FFC पाकिस्तान में यूरिया बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा है। FFC अपने सोना यूरिया प्रेल्ड और सोना यूरिया नीम कोटेड के साथ साथ फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड के तैयार करदा सोना यूरिया ग्रेनुलर और सोना DAP की तरसील और तकसीम के फराइज भी सर अंजाम दे रहा है। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइजर कंपनी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल को फरोग देने के लिए दरामद करदा FFC DAP, FFC SOP, FFC MOP, सोना जिंक और सोना बोरान खादें भी मुहैया कर रही है। इस तरह फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड सालाना तकरीबन 40 लाख टन खादें अपने 3600 से ज़ायद डीलरों के जरिए पूरे मुल्क में काश्तकारों तक पहुंचा रही है। FFC आला मेयार की खादों की फराहमी के साथ साथ काश्तकारों को जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी पहुंचाकर फसलों की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। इस मकसद के लिए 5 फॉर्म एडवाइजरी सेंटर्स के तहत मुल्क भर में तैनात ज़रई माहरीन काश्तकारों को ज़रई तौसी, मिट्टी और पानी के मुफ्त तज़िये की सहूलियात के साथ साथ खेतों पर नुमाइशी प्लाट लगाकर अमलन तरबियत भी फराहम कर रहे हैं। मैं आलू और मकई की फसल काश्त करता हूँ। इस साल मैंने आलू की फसल FFC से ज़रई माहरीन की सिफारिशात के मुताबिक काश्त की और माहरीन फसल के अहम मराहले पर मैंने की मशवरे देते रहे। FFC माहरीन की सिफारिशात पर अमल करने से पैदावार में इजाफा हुआ। अब मैं मकई की फसल भी FFC माहरीन के मशवरे से मुताबिक काश्त करूँगा इंशाल्लाह। FFC के ज़रई माहरीन साल भर में फसलों के मुख्तलिफ मराहिल पर रेडियो पाकिस्तान और FM चैनल्स पर काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ज़रई प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते हैं और जदीद ज़रई अवामिल पर गुफ्तगू के साथ साथ काश्तकारों के मसाइल का हल भी तजवीज़ करते हैं। पाकिस्तान में मकई गिजाई एतबार से गंदम और चावल के बाद तीसरी बड़ी फसल है। इसमें निशास्ता, लहमियात और रोगनियात के अलावा कैल्शियम और फौलाद भी पाए जाते हैं और यूं मकई को जूद हजम और कुव्वत बख्श गिजा तसव्वुर किया जाता है। हमारे यहाँ मकई इंसानी खुराक के अलावा मवेशियों के लिए चारे के तौर पर और पोल्ट्री फीड में भी इस्तेमाल होती है। जानवरों में गजाई किल्लत को मद्देनजर रखते हुए इसका साइलेज भी तैयार किया जाता है जो कि साल भर की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। मकई का सनती इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इससे कई मसनूआत मसलन खाने का तेल, ग्लूकोज, कस्टर्ड पाउडर, पॉपकॉर्न और जेली वगैरह भी तैयार की जा रही है। हमारे मुल्क में मकई की औसत पैदावार तकरीबन 60 मन फी एकड़ है जो कि मौजूदा तरक्की दादा इकसाम की पैदावारी सलाहियत से बहुत कम है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी की गजाई ज़रूरियात को पूरा करने और काश्तकारों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए मकई की पैदावार में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। खुश आइन बात यह है कि हमारे यहाँ अक्सर तरक्की पसंद काश्तकार मकई की हाइब्रिड इकसाम की काश्त से 100 मन फी एकड़ से ज़ायद पैदावार हासिल कर रहे हैं। काश्तकार भाइयों, हम आपको मकई की ज़्यादा पैदावार के हामिल जदीद ज़रई अवामिल से रूशनास करवा रहे हैं ताकि आप इन पर अमल पैरा होकर फसल की पैदावार में खातिर खा इजाफा कर सकें। सबसे पहला मरहला ज़मीन के इंतखाब और उसकी तैयारी का है। मकई की काश्त के लिए भारी मेरा ज़मीन जिसमें हवा का गुजर और पानी का निकास बेहतर हो मौजू होती है। सेमो थोर ज़दा और रेतली ज़मीन मकई की काश्त के लिए मौजू नहीं है।
मकई के पौधे की जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक जाकर खुराक हासिल करती हैं, इसलिए जमीन की तैयारी करते वक्त एक दफा गहरा हल जरूर चलाएं ताकि जमीन ज्यादा गहराई तक नरम हो सके और जड़ें आसानी से जमीन में फैल सकें। खाद और पानी की यकसा तकसीम के लिए जमीन का हमवार होना बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में जदीद लेजर लैंड लेवलिंग टेक्निक से फायदा उठाएं, इससे कम वक्त में ज्यादा रकबा बेहतर तौर पर हमवार किया जा सकता है। उसके बाद 3 से 4 मरतबा आम हल चलाकर सुहागा दें। जमीन में अगर साबका फसल के मुड मौजूद हों तो रोटावेटर चलाकर बेहतर जमीन तैयार की जा सकती है। अच्छा बीज ही अच्छी फसल का जामिन होता है, इसलिए बीज साफ सुथरा, सेहतमंद और बीमारियों से पाक होना चाहिए। सिर्फ तरक्की दादा और मंजूर शुदा इकसाम का बीज इस्तेमाल करें। काश्तकार भाई, बीज हमेशा काबिले एतमाद डीलर से खरीदें। काश्त से कबल बीज को रस चूसने वाले कीड़ों और कौपल की मक्खी से बचाव के लिए FFC के ज़रे माहिर का तजवीज़ करदा जहर इस तरह लगाएं कि जहर बीज के हर दाने को मुकम्मल तौर पर लग जाए। मकई की फसल साल में 2 दफ़ा काश्त होती है। बहारिया फसल के लिए बेहतरीन वक्त काश्त आखिर जनवरी ता आखिर फरवरी और मौसमी काश्त के लिए 15 जुलाई ता 15 अगस्त है। सब्ज भुट्टों के लिए मकई आखिर अगस्त तक काश्त की जा सकती है। मकई की काश्त के लिए देसी या सिंथेटिक इकसाम ये हैं। पाकिस्तान में मकई की आम या देसी इकसाम के साथ साथ ज्यादा पैदावारी सलाहियत की हाइब्रिड इकसाम की काश्त फरोग पा रही है। बहारिया काश्त के लिए इन हाइब्रिड इकसाम में से किसी का इंतखाब किया जा सकता है। मौसमी मकई की काश्त के लिए इन हाइब्रिड इकसाम में से किसी एक का इंतखाब किया जा सकता है। मार्केट में इनके अलावा दीगर इकसाम के बीज भी दस्तयाब हैं। आप अपने इलाके, मौसम और वक्त काश्त को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा पैदावारी सलाहियत रखने वाली इकसाम का इंतखाब करें। याद रहे कि हाइब्रिड इकसाम की बर वक्त काश्त इंतहाई जरूरी है। अगेती या पछेती काश्त की सूरत में दाना बनते वक्त मुनासिब दर्जा हरारत ना मिलने से पैदावार पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। शराय बीज का इन्हिसार बीज के वजन, किस्म और तरीक़े काश्त पर होता है। बीज का शराय उगाव 90% से ज्यादा होना चाहिए। वट्टों पर काश्त की सूरत में सेहतमंद, खालिस और 90% से जायद उगाव वाला बीज 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़, जबकि बारानी इलाकों में बजरिया ड्रिल काश्त की सूरत में 12 से 15 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। मकई की काश्त के लिए 2.5 से 2.5 फुट के फासले पर शरकन गरबन खेलियां बनाएं और हल्का पानी लगाने के बाद ढलवान पर पानी की सतह से 1 इंच ऊपर बीज का चौका लगाएं। याद रहे कि बहारिया काश्त में जुनूबी सिंध बीज लगाया जाए ताकि ज्यादा वक्त धूप पड़ने से बीज जल्दी उगाएं, जबकि मौसमी काश्त में शुमाली सिंध बीज लगाएं ताकि धूप कम पड़ने से उगाव के लिए मतलूबा नमी ज्यादा देर तक बरकरार रहे। बहारिया फसल के लिए पौधों का बाहमी फासला 6 से 7 इंच, जबकि मौसमी या खरीफ काश्त में 7 से 9 इंच बमुताबिक किस्म रखें। अच्छी पैदावार के लिए बारानी इलाकों में 2.5 फुट के फासले पर ड्रिल, प्लांटर, पोर या केरा से काश्त करें। आजकल जदीद प्लांटर भी आम दस्तयाब हैं जो पटरियां बनाने के अलावा खाद और बीज को मुकर्रर करदा गहराई और फासले पर ड्रिल कर देते हैं। इससे कम वक्त में ज़्यादा रकबे पर फसल काश्त की जा सकती है। फसलों की भरपूर और देरपा पैदावार के हुसूल के लिए खादों का ज़मीन की जरखेज़ी और फसल की ज़रूरत के मुताबिक मुतवाजन इस्तेमाल नहायत अहमियत का हामिल है। ताहम ज़रई मुदाखिल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अगर माशी इस्तेतात कम हो तो सिर्फ एक खाद पर इन्हिसार करने की बजाय अपने बजट में रहते हुए खादों के मुतवाजन इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। तजर्बात से ये बात साबित है कि खादों के इस्तेमाल को मुतवाजन बनाने से पैदावार बेहतर आती है बनिस्बत इसी खर्च में गैर मुतवाजन तरीके से खादों को इस्तेमाल किया जाए।
खादों का मुतवाजन इस्तेमाल अक्वामे मुत्तहदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में भी मावन है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी अपनी जदीद कंप्यूटराइज लेबॉरटरियों के जरिए आपको अज़ाए कबीरा के साथ साथ अज़ाए सगीरा और पौधों के तज़िये की सहूलत भी मुफ्त वहम पहुँचा रही है। मैं 130 एकड़ पर मक्की काश करता हूँ। खादों का मतवाजन इस्तेमाल मक्की की भरपूर पैदावार लेने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है और इसलिए मैं ज़मीन का तज़िया करवाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मैं फसल काश करने से पहले FFC की लेबॉरटरी से अपनी ज़मीन का तज़िया करवाता हूँ, जिससे मुझे अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी का इल्म हो जाता है और मैं FFC की सिफारशात के मुताबिक खादों का इस्तेमाल करके मक्की की भरपूर पैदावार हासिल करता हूँ। दीगर काश्तकार भी FFC की मुफ्त तज़िया की सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। अगर आपने अपनी ज़मीन का तज़िया नहीं करवाया तो खादें इस तरह डालें। मकई की हाइब्रिड इकसाम के लिए 2.5-4 बोरी सोना यूरिया, 2-3 बोरी सोना DAP और 1-2 बोरी FFC SOP या 1.5-1.5 बोरी FFC MOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। आम या देसी यानी सिंथेटिक इकसाम के लिए आपाश इलाकों में 2.5-3 बोरी सोना यूरिया, 1.5-2.5 बोरी सोना DAP और 1-1.5 बोरी FFC SOP या 1.25 बोरी FFC MOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। तमाम सोना DAP और FFC SOP या FFC MOP बुआई के वक्त इस्तेमाल करें, जबकि सोना यूरिया 3 बराबर इकसात में इस्तेमाल करें। सोना यूरिया की पहली किस्त फसल के 5-6 पत्ते निकलने पर, दूसरी किस्त 8-10 पत्ते निकलने पर और आखिरी किस्त फूल आने से 15 दिन कबल पानी में हल करके बजरिया ड्रम आपपाशी के साथ इस्तेमाल करें ताकि खाद का ज़िया कम से कम हो। FFC का नीम कोटेड यूरिया भी मार्केट में दस्तयाब है। काश्तकार भाई, सोना यूरिया नीम कोटेड के इस्तेमाल से पौधों को नाइट्रोजन की दस्तयाबी देर तक बढ़ा सकते हैं। कम बारिश वाले बारानी इलाकों में 1 बोरी सोना यूरिया, 1 बोरी सोना DAP और 0.5 बोरी FFC SOP या FFC MOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। ज़्यादा बारिश वाले बारानी इलाकों में 1.5 बोरी सोना यूरिया, 1.5 बोरी सोना DAP और 1 बोरी FFC SOP या 0.5 बोरी FFC MOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। कम बारिश वाले बारानी इलाकों में तमाम खादें बुआई के वक्त डालें, जबकि ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में तमाम सोना DAP, FFC MOP या FFC SOP और 0.5 बोरी सोना यूरिया फी एकड़ बुआई पर, जबकि बकिया सोना यूरिया फूल आने से पहले बारिश आने पर दें। अज़ाए सगीरा की कमी दूर करने के लिए 7.5 किलोग्राम सोना जिंक और 3 किलोग्राम सोना बोरान फी एकड़ बुआई के वक्त इस्तेमाल करें। याद रहे, कीमियाई खादों के इस्तेमाल के दौरान हिफाजती लिबास, मास्क, दस्तानों और ऐनक का इस्तेमाल करें और खाद के इस्तेमाल के बाद अपने हाथ मुंह को अच्छी तरह साबुन से धो लें। जड़ी बूटियां पैदावार में खातिर खा कमी का बायस बनती हैं। ये मकई के पौधों के साथ खुराक, पानी, रोशनी और जगह के लिए मुकाबला करने के साथ साथ बीमारियों और कीड़े मकौड़ों को पनाह मुहैया करती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जड़ी बूटियों की वजह से मकई की पैदावार 50% तक कम हो सकती है। इसलिए अच्छी और भरपूर पैदावार लेने के लिए जड़ी बूटियों की तलफी नहायत ज़रूरी है। मकई की फसल में 3 इकसाम की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, घासनुमा, तिकोने पत्तों वाली और चौड़े पत्तों वाली। जड़ी बूटियों की तलफी के लिए गोडी एक मौसर जरिया है। ताहम हमारे यहाँ साल ब साल ज़रई अफरादी क़ुव्वत की कमी वाक़ हो रही है, इसलिए जड़ी बूटियों पर उगाओ से पहले ही कीमियाई तदारक के जरिए काबू पाना आसान, सस्ता और देरपा हल है। जड़ी बूटियों की तलफी के लिए 2 किस्म की जड़ी बूटी बार जहरें दस्तयाब हैं। कुछ जहरें उगाओ से पहले इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ उगाओ के बाद। जड़ी बूटी बार जहरों का इंतखाब जड़ी बूटियों की किस्म और उनकी शिद्दत के मुताबिक करें। मजीद मशवरे के लिए अपने इलाके में मौजूद FFC के ज़रई माहिर या FFC की ज़रई हेल्पलाइन 0800-00332 से भी राब्ता कर सकते हैं। मकई की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मकई से उसी सूरत में भरपूर पैदावार हासिल की जा सकती है जब फसल की पानी की ज़रूरियात बर वक्त पूरी की जाएँ। ड्रिल से काश्त की गई फसल को पहली आपपाशी उगाओ के 10-12 दिन बाद दें।
जबकि वट्टों पर काश्ता फसल को मुकम्मल उगाओ तक वत्तर हालत में रखें। इसके बाद फसल को ज़रूरत के मुताबिक पानी दें। फूल आने, अमले जेरगी, दाना बनने और दाने की दूधिया हालत में फसल को पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, वरना पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। मकई की फसल मौसमी शिद्दत की वजह से निस्बतन ज़्यादा मुतासिर होती है। मकई के अमले जेरगी के दौरान पड़ने वाली शदीद गर्मी दाना बनने के अमल को मुतासिर करती है। इस नुकसान से बचाव के लिए अमले जेरगी के दौरान खेत में हल्की आपाशी करते रहें। मकई की बहारिया फसल को 12-14 और मौसमी मकई को अमूमन 10-12 पानी की ज़रूरत होती है। दीगर फसलों की तरह मकई पर भी ज़र्रा रसा कीड़े हमला आवर होते हैं। इन कीड़ों में कौपल की मक्खी, चुस्तेला, सुस्तेला, अमरीकन सुंडी, लश्करी सुंडी और तने की सुंडी शामिल हैं। बहारिया फसल पर कौपल की मक्खी का हमला शदीद और बहुत नुकसानदेह होता है। पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है और पत्ते ऊपर से गोल होकर आपस में लिपट जाते हैं। अगर हमला शदीद हो तो बाज़ औकात नौजायदा कौपल मुरझा जाती है। ताहम मौसमी मकई में कौपल की मक्खी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। तने की सुंडी भी फसल को खासा नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है। सुंडी का हमला फसल के इब्तदाई मराहिल में ज़्यादा शदीद होता है, जिसकी वजह से पौधे की दरमियानी कौपल सूख जाती है, पत्ते कटे फटे नज़र आते हैं और बढ़ोतरी रुक जाती है। तेला पत्तों का रस चूसकर पौधों को कमज़ोर कर देता है, जिससे पैदावार कम हो जाती है। आजकल मकई की फसल पर फॉल आर्मी वर्म का हमला भी देखने में आया है। इसके तदारुक के लिए FFC के ज़रई माहिर के मशवरे से मौसर जहर का इस्तेमाल करें। तने की सुंडी के तदारुक के लिए दानेदार जहर पौधों की कौपलों में डालें, जबकि कौपल की मक्खी और तेले के तदारुक के लिए पौधों में सराइयत करने वाली जहरें कीड़े के नमूदार होने पर स्प्रे करें। जब छलियों के अंदरूनी पर्दे खुश्क और भूरे हो जाएं, दानों में नाखून न चुभ सके और दाने की नोक पर काला दाग नज़र आने लगे तो फसल बर्दाश्त के लिए तैयार हो जाती है। भुट्टों की बर्दाश्त के बाद ढेरों की शक्ल में हरगिज़ न रखें, बल्कि खुली जगह पर फैला दें और दूसरे तीसरे रोज़ उनका रुख बदल दें, ताकि छलियाँ यकसा तौर पर हर तरफ से खुश्क हो जाएं। खुश्क होने पर भुट्टों से दाने अलग कर लें और खुश्क हवादार गोदाम में ज़खीरा करें। काश्तकार भाइयों, आप हमारी बताई गई सिफारिशात पर अमल करके मकई की पैदावार में खातिर खा इजाफा कर सकते हैं। अगर आपको इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो FFC की ज़रई हेल्पलाइन 0800-00-332 पर कॉल करें। काश्तकार भाइयों, आप फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की मज़ीद ज़रई खिदमात से मुस्तफीद होने के लिए www.ffc.com.pk पर मौजूद काश्तकार डेस्क से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जहां पर मौजूद है जदीद ज़रई लिटरेचर, जदीद काश्ती उमूर पर मबनी अहम फसलों की ज़रई फिल्में, हमारी साल भर में छपने वाली ज़रई रिपोर्ट्स, करीबी रीजनल दफातर, फॉर्म एडवाइजरी सेंटर्स और ज़रई माहरीन के राबता नंबर्स।